सुपर डुपर टेस्टी एकदम स्वादिष्ट गाजर का हलवा, एकदम दानेदार मजेदार। ये मैं नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कमेंट करोगे ये गाजर का हलवा बिल्कुल वाकई बहुत ही टेस्टी बनी है, बिल्कुल दानेदार, एकदम माँ के हाथों का स्वाद वाला। तो इस टाइप से आप बनाते रहोगे और हमेशा ही बनाने चाहोगे, इतना स्वादिष्ट बनता है ये हमारा गाजर का स्वादिष्ट दानेदार हलवा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होगे और मस्त होगे। इस गाजर को देख के तो आप समझ ही गए होगे जरूर गाजर का हलवा बनने वाला है। तो ऑफ कोर्स फ्रेंड, गाजर का हलवा ही बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल माँ के हाथों का स्वाद आएगा। इस टाइप से आज हम गाजर का हलवा बनाऊंगे, मतलब मेरी मम्मी जैसे बनाती थी बिल्कुल उसी टाइप से आज मैं गाजर का हलवा आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2 kg मैंने ये गाजर ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से छील के ग्रेट कर लिया है। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रख दिया है कढ़ाई, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो घी वगैरह आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो, वैसे हलवे का टेस्ट घी में ज्यादा अच्छा आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप देसी घी में ही हलवा बनाएं। तो चलिए घी को पिघलने देते हैं। अब इस देसी घी में जाएगा हमारा ग्रेटेड गाजर और इसे मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से इसकी 1 मिनट भुनाई करेंगे। तब इसका स्वाद जो है एकदम निखर के आएगा। जब घी की खुशबू आती है पूरे गाजर में, इसका फ्लेवर ही एकदम गजब का आता है। सारे गाजर को मैंने कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया है, अब हम इसे 1 मिनट धीरे धीरे भूनेंगे। अभी ये काफी बड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन जैसे जैसे ये बनता जाएगा ना, तो इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो गाइज, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे वीडियो पे नए आए हो तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप जरूर से प्रेस कर दें। होता क्या है, सभी लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन जो घंटी वाला बटन है रेड कलर का, तो उसे आप दबाना भूल जाते हो। अगर आप उस बटन को प्रेस कर दोगे तो जब भी मैं कुछ इस टाइप का वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सकेगी। तो इसकी बात का आप ध्यान रखेंगे। 2 मिनट गाजर को मैंने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है, बहुत अच्छी सी भीनी भीनी से खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो चीनी 2 किलो गाजर के हिसाब से मैंने 250 ग्राम चीनी लिया है, मीठा आप अपने पसंद के अनुसार रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से 250 ग्राम चीनी पर्याप्त होगी, क्योंकि गाजर भी अभी मार्केट में बहुत मीठे आ रहे हैं। तो चलिए हम चीनी को भी मिला लेते हैं बढ़िया से गाजर में, और फ्लेम का आप ध्यान रखेंगे, फ्लेम को मीडियम रखना है। तो फ्रेंड, मैंने आपके साथ बिना ग्रेट किए गाजर का हलवा कैसे बनाया जाता है, बिना मावा बिना दूध, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, प्लीज आप उसे भी चेक कर लीजिएगा एक बार। तो इसे हम बढ़िया से चला लेते हैं, चीनी को भी बढ़िया से मिला लिया है। अब हम क्या कर देंगे, फ्लेम को कर देंगे लो और इसे हम कवर कर देंगे कि चीनी के साथ हमारा गाजर अच्छे से कुक होता रहे, चीनी पानी छोड़ेगी और गाजर हमारा पकता रहेगा। 2 मिनट हो चुके हैं, चीनी भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और चीनी के साथ पके ये गाजर भी हमारा कितना खूबसूरत सा कलर इसका आ गया है, बहुत ही गजब का। तो चीनी हल्का हल्का अभी है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही चीनी का पानी दिख रहा है, बाकी सब डिजॉल्व हो गया है। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये छोटा ग्लास, मैंने 1 ग्लास दूध लिया है, इसको दूध के साथ भी पकाएंगे। भाई माँ के हाथों का स्वाद लेना है तो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, पेशेंस के साथ ये हलवा बनाए तभी उस टाइप का एकदम स्वाद आएगा, बहुत ही गजब का। तो चलिए दूध के साथ भी हम इसे पका लेते हैं, फिर से इसे एक बार कवर कर देंगे कि दूध के साथ भी हमारा गाजर अच्छे से पकता रहे, जब तक कि दूध हमारा सूख नहीं जाए अच्छे से, उतनी देर हमें गाजर को पकाना है दूध के साथ कि दूध हमारा अच्छे से सूख जाए। तो ढक देते हैं इसे धीमी आंच पे। देख सकते हो फ्रेंड, दूध भी हमारा अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, पूरा दूध सूख गया है, गाजर ने पूरा दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर, बहुत अच्छे से गाजर हमारा कुक हो चुका है। ऑलमोस्ट गाजर का हलवा बिल्कुल फाइनल कंडीशन में आ चुका है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खोया। तो ये 250 ग्राम मैंने खोया लिया है, तो इसे हम ऐड कर देंगे
वीडियो देखते देखते फ्रेंड नीचे एक लाइक का बटन दिया है, उसे आप प्रेस कर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है फ्रेंड, तो आप लाइक का बटन दबा दें, इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए सारे मावा को हम दाल के हलवे में अच्छे से मिला लेते हैं। फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इस खोया के साथ गाजर को हम 2 मिनट अच्छे से एकदम भूनेंगे, एकदम अच्छा सा फ्लेवर एकदम निखर के आए गाजर के हलवे में मावे का। तो मावा भी हमारा भून जाएगा और गाजर के साथ एकदम डिजॉल्व हो जाएगा, तो टेस्ट इसका एकदम अमेजिंग सा आता है फ्रेंड। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये हलवा इतनी यमी लगती है कि ये किसी भी ड्राई फ्रूट की मोहताज नहीं है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही गजब का टेस्ट आया है और एकदम दानेदार हलवा बनके हमारा रेडी हुआ है। एक बार इस ट्रिक से बना के जरूर देखिएगा, आपको जरूर माँ के हाथ का स्वाद का याद आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट हलवा हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल देते हैं इलायची का पाउडर। ये गया इसमें इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से एक बार फिर से मिला लेते हैं। हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। फाइनली बनके तैयार है फ्रेंड हमारी सुपर डुपर टेस्टी गाजर के हलवा की रेसिपी। एक बार इस अंदाज से आप जरूर से बनाएं, बहुत ही पसंद आएगी दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ गाइज आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।